अस्सलामुअलैकुम, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइक। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। आईजी पंजाब का कसूर में भट्टे से दो लाशें मिलने के वाकये का नोटिस। आरपीओ शेखुपुरा से वाकये की रिपोर्ट तलब। वाकये के असल हकायक के मुताबिक सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। पंजाब पुलिस विमेन सेफ्टी ऐप खवातीन के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए कोशां। विमेन सेफ्टी ऐप की आगाही के लिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानिब से लाहौर कॉलेज ब्राय खवातीन में सेमिनार का इनाकाद किया गया। सेमिनार में सेफ सिटीज अथॉरिटी के नुमाइंदों ने एप्लीकेशन बारे खवातीन को आगाही दी। सेमिनार में एमपीए उज़्मा कारदार, वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज और दीगर फैकल्टी मेंबर्स ने शिरकत की। सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर की म्यू अस्पताल आमद। जख्मी अहलकार रहमान अली की यादत की, फूलों का गुलदस्ता पेश किया। दौरान गश्त मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने पर नामालूम मुलजमान ने कांस्टेबल रहमान अली पर फायरिंग कर दी थी। सीसीपी लाहौर ने डॉक्टर से बेहतरीन इलाज मुआवजे की दरख्वास्त की। सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर का कहना है कि जख्मी अहलकार के इलाज और मुआवजे में कोई कसर ना छोड़ी जाए। सेफ सिटी और करीबी इमारतों पर लगे कैमरों की मदद से मुलजमान को ट्रेस किया जा रहा है। सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर अचानक थाना जनूबी छोनी पहुंच गए। गुलाम महमूद डोगर ने थाना मुहर्रर रूम और फ्रंट डेस्क और दरखास्तों के इंदराज का रिकॉर्ड चेक किया। गुलाम महमूद डोगर की थाना मुहर्रर से रिकॉर्ड रजिस्टर्स बारे पूछगछ। सीसीपी लाहौर ने एसएचओ से इलाके में क्राइम के बारे इस्तफसार किया। कैदियों से भी मुलाकात की। नाकस सफाई सुथराई पर एसएचओ इमरान खान की सरजनिश की। 25 नंबर रजिस्टर नामुकम्मल होने पर साबिका एसएचओ वसीम अहमद को शोकॉज नोटिस जारी। सीसीपी लाहौर का नकाज दूर करके 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर का कहना है कि थाने हमारा घर हैं, थानों में आकर शहरियों को तहफ्फुज महसूस होना चाहिए। गुलाम महमूद डोगर की पेंडिंग दरखास्तों को जल्द अज जल्द निपटाने की हदायत। इन्वेस्टिगेशन पुलिस लिटन रोड ने कत्ल समेत डकैती के 3 इश्तिहारी मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। साबिका रिकॉर्ड याफ्ता इश्तिहारी मुलजमान में मुलजिम फैसल महमूद, हसन अली और वसीम अब्बास शामिल। मुलजमान लड़की के कत्ल और डकैती की वारदात में मुलव्वज़ थे। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लिटल रोड हसन रजा हाशमी ने कार्रवाई करते हुए अपनी टीम के हमराह इश्तिहारी मुलजमान को गिरफ्तार किया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल खान का कहना है कि शहरियों के जानो माल की हिफाजत पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। टिकटॉक पर असलहे की नुमाइश करना महंगा पड़ गया, टिकटॉकर गिरफ्तार। एसपी मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद की हदायत पर एसएचओ कहाना की कार्रवाई। सोशल मीडिया पर असलहे के साथ वीडियो बनाकर वायरल करने वाला मुलजिम फैजान गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज। एसपी कैंट साद अजीज की हदायत पर कच्ची शराब के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। एएसपी नॉर्थ कैंट बुशरा इंसार की सरबराही में शमाली छोनी पुलिस की खुफिया तला पर बड़ी कार्रवाई। कच्ची शराब तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा। रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश आसिफ मसीह और खालिद गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से शराब की 800 तैयार बोतलें और 1000 बोतलों का सामान बरामद। मुलजमान का ऑर्डर पर मुख्तलिफ इलाकों में शराब सप्लाई करने का इंकशाफ। मुलजमान कच्ची शराब पर ब्रांड्स के स्टिकर्स लगाकर फरोख्त करते थे। एसपी कैंट साद अजीज की एसएचओ शुमारी छौनी मियां लियाकत और टीम को शाबाश। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। एसपी सिविल लाइंस रजा सफदर काजमी की क्यादत में गुचरपुरा पुलिस का नाजायज असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन। इलाके में दहशत की अलामत समझे जाने वाले 4 मुलजमान नाजायज असलहा समेत गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजमान में अब्बास, खुर्शीद, अफजाल, इफ्तिखार शामिल। मुलजमान के कब्जे से 4 राइफल्स और 3 पिस्टल बरामद। एसपी सिविल लाइंस रजा सफदर काजमी का कहना है कि हवाई फायरिंग और नाजायज असलहा रखने वालों के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन पुलिस मुस्लिम टाउन ने बैनुल इज़लाई डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। गन पॉइंट पर डकैती और राहजनी की वारदातों में मुलविस बैनुल इज़लाई अबू डकैत गैंग के 4 मुलजमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजमान में गैंग का सरगना आबिद उर्फ आबू,
समेत उसके साथी आसिफ उर्फ नूरी, फैसल और रहमान शामिल। गिरफ्तार मुलजमान से लाखों रुपए मालियत के 20 मोबाइल फोन, नकदी और नाजायज असलहा बरामद। मुलजमान के खिलाफ मरीद के सिटी सदर समेत लाहौर के मुख्तलिफ थानों में डकैती और राहजनी के मुतअद्दिद मुकदमा ट्रेस। गिरफ्तार मुलजमान दौरान मुजाहमत शहरियों को जख्मी करने से भी गुरेज ना करते थे। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुस्लिम टाउन मोहम्मद फयाज ने अपनी टीम के हमरा शदीद मुजाहमत के बाद मुलजमान को गिरफ्तार किया। ये थी अब तक की खबरें। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.psca.tv।